हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू केमिस्ट्री नगेट्स। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर का सेकेंड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन्स विदाउट फंक्शनल ग्रुप बट विद आर ब्रांच। ऐसे हाइड्रोकार्बन चेन जो कि स्ट्रेट चेन होंगी लेकिन उसमें ब्रांचेस लगी होंगी। ये ब्रांचेस क्या होती है? ब्रांचेस स्मॉल कार्बन चेन है जो कि पेरेंट चेन से जुड़ी होती है। ब्रांच हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? ऐसे कंपाउंड जिसमें कि मेन चेन के साथ छोटे छोटे कार्बन चेन साइड में अटैच होती हैं, तो इन्हें ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो चलिए इनका नोमेनक्लेचर शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लें कि ये जो साइड चेन्स लगी होती हैं, अगर मैं आपको एक एग्जांपल यहाँ लिख दे दूं, अगर हमारे पास ऐसा कोई है कंपाउंड, तो ये क्या है? स्ट्रेट चेन हाइड्रोकार्बन है। दूसरी बात ये है कि इसमें यहाँ पर देखिए, हमें दिखेगा कि कुछ साइड चेन है, कुछ कार्बन के चेन है जो कि साइड में लटकी हुई है। तो ऐसे साइड चेन को क्या कहते हैं? एल्किल ग्रुप्स। क्या कहते हैं? एल्किल। ठीक है, और ये कैसे मिलकर बना हुआ है? एल्केन प्लस वाई एल। जैसे कि अगर एक कार्बन की चेन है तो हम उसे बोलेंगे मेथ, जो कि उसका रूट वर्ड है, प्लस वाई एल ए लगा देंगे। यहां पर मैंने एक टेबल भी दी हुई है। अगर एक कार्बन की चेन है तो मेथिल, दो कार्बन की चेन है तो एथिल, तीन कार्बन है तो हमारे को वर्ड रूट पता है तीन कार्बन का, तो उसमें हम वाई एल लगाते हैं, इल प्रोपिल हो जाएगा, वो कार्बन तो ब्यूटिल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम एल्किल ग्रुप्स का नेम्स बनाते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे, हमें जब भी इस तरह का नॉमेनक्लेचर आता है तो हमें दो बातों का ख्याल रखना है। पहला पॉइंट है कि नेम ऑफ द एल्किल ग्रुप, और सेकेंड पॉइंट है पोजिशन ऑफ द एल्किल ग्रुप। तो अगर हम ये दोनों पॉइंट्स पर वर्क कर लेंगे तो हमें नाम लिखना आ जाएगा, बहुत ही आसान होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, अगर हमें कोई कंपाउंड दिया गया है तो उसमें हम सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन को खोजेंगे, कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन आइडेंटिफाई करेंगे। फिर उसमें हम क्या करेंगे, सेकेंड स्टेप हमारा हमेशा क्या होगा, कार्बन पर नंबरिंग करेंगे। अब नंबरिंग करते समय छोटे छोटे से कुछ रूल्स हैं जो कि मैं आपको नंबरिंग करते समय बताते जाऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। नंबरिंग शुड बी डन इन सच अ वे दैट ब्रांच कार्बन गेट द लोएस्ट पॉसिबल नंबर। तो हमेशा नंबरिंग करते समय ध्यान रखना है कि जो भी ब्रांचेस आ रही है उनको लोएस्ट पॉसिबल नंबर मिले। चलिए इन दो पॉइंट्स को लेते हुए हम एग्जाम्पल्स को शुरू करते हैं। अभी देखिए हमारे पास पहले एग्जाम्पल है, और इसमें सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन खोजना। तो हमें यहाँ दिख रही है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ कार्बन के लॉन्गेस्ट चेन को ले सकते हैं हम। तो हम स्ट्रेट चेन को लॉन्गेस्ट चेन मानेंगे। अब देखिए, अब हमें इसमें सेकेंड स्टेप है नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग हम कर सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबरिंग का ट्रेंड हो सकता है, पढ़ सकते हैं। लेकिन एक और ट्रेंड हो सकता है कि हम ऐसे भी कर सकते हैं 3। तो अब कौन सी नंबरिंग सही है इसका जाने का सबसे अच्छा ट्रिक है ये कि हमें जिस भी नंबरिंग को सही है उसको जानने का ट्रिक है कि जहां भी हमें यहाँ पर ब्रांचेस मिली है उस कार्बन के नंबर को हम ऐड करते हैं। जैसे यहाँ पर 2 नंबर के कार्बन पे एक ब्रांच है, 6 नंबर के कार्बन पे एक ब्रांच है, तो चलिए 2 + 6 करके देखें 8। ठीक है, अब दूसरे नंबरिंग के हिसाब से 3 कार्बन पे एक ब्रांच होगी और 7 कार्बन पे एक ब्रांच होगी, इसको ऐड करके देखते हैं। जो भी एडिशन रिजल्ट लोएस्ट होगा वही वाली काउंटिंग
बनी जाएगी और उसी टॉप भी लेकर हम नंबरिंग करेंगे। तो 3 + 7 हो जाता है 10। तो इसका मतलब ये वाली नंबरिंग गलत है और ये वाली नंबरिंग हम फॉलो करेंगे क्योंकि इसका एडिशन रिजल्ट लेस आया है। तो चलिए ये वाली एडिशन नंबरिंग को फॉलो करेंगे। अब नाम जान लीजिए, ये जो ग्रुप है एक कार्बन की चेन है यहाँ पर, तो इसको बोलेंगे मेथ और YL लगा देंगे। यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, एक और दो, दो कार्बन है यहाँ पर, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, एथिल। ठीक है, अब हमको नाम पता चल गए हैं साइड चेन्स के और उनकी पोजीशन पता चल गई है। तो चलिए सबसे पहले नाम लिखते हैं। तो इसको नाम लिखने का तरीका है, सबसे पहले पेरेंट चेन का नाम क्या हो गया, ऑक्ट, क्योंकि एक कार्बन है, कोई भी डबल बॉन्ड नहीं है तो सिंपल ऑक्टेन हो गया। अब ऑक्टेन के प्रीफिक्स में हम सारे के सारे साइड चेन्स के नाम लिखेंगे। वो कैसे लिखेंगे, अब मेथिल और एथिल दोनों है तो किसको पहले लिखा जाए, मेथिल को लिखा जाए कि एथिल को, इसके लिए भी रूल है। इसके लिए रूल कहता है कि हमेशा अल्फाबेटिकल ऑर्डर को ही फॉलो करते हैं। तो ई कम्स फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, तो सबसे पहले हम एथिल को मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर एथिल किस नंबर पे, ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से हमारे पास एथिल आया है 6 नंबर पे, तो हम लिखेंगे 6 एथिल कॉमा, फिर उसके बाद मेथिल को मेंशन करेंगे, 2 नंबर पे यहाँ मेथिल है हमारे पास, देन 2 थोड़ा स्पेस करने, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं, 2 देन मेथिल, और फिर हमारी पेरेंट चेन कितने कार्बन की, 8 कार्बन की है और इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये हो गई ऑप्ट एन। तो ये हो गया हमारा नाम इस वाली कंपाउंड का। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक डबल बॉन्ड दिख रहा है, सबसे पहला काम करना है हमको अपनी लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन खोजना। तो हमें सीधी से दिख रही है 5 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है, लेकिन नहीं, ये गलत होगा। जब भी लॉन्गेस्ट चेन खोजते हैं तो हम प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड्स को। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पर डबल बॉन्ड है, इसलिए हम यहां से या तो ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 4 कार्बन की, या फिर यहां से ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 4 कार्बन की, या फिर यहां से ऐसे आके ये लॉन्गेस्ट चेन लेंगे 4 कार्बन की, कोई भी तरीका चल सकता है। ठीक है, तो चलिए हम मानते हैं कि हमारी लॉन्गेस्ट चेन होगी वो यहां से 1, 2, 3 और 4, ये 4 कार्बन की चेन लेना है। फंडा क्या है, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना। तो नंबरिंग फिर करेंगे, नंबरिंग करते समय प्रायोरिटी देनी है डबल बॉन्ड को, तो ऑब्वियसली यहाँ 1 नंबर रखेंगे, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 4। यहाँ पर एडिशन करने का कोई झंझट नहीं है, एडिशन ट्रिक्स यूज करने का। अब देखिए ये तो हमें पेरेंट चेन मिल गई और नंबरिंग हो गई। अब देख लेते हैं इस पे एल्किल ग्रुप कहाँ पर है और क्या नाम है। एल्किल ग्रुप पे 3rd नंबर के कार्बन पे हमारे पास एक मेथिल ग्रुप है और 2 नंबर के कार्बन पे एथिल ग्रुप है ये। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, एथिल को मेंशन करना है, तो हम लिखेंगे 2 एथिल, फिर मेथिल को मेंशन करेंगे 3 मेथिल, और उसके बाद 4 का कार्बन की चेन हमारी पेरेंट चेन है यानी कि ब्यूट। अब देखिए डबल बॉन्ड को भी मेंशन करना है, ब्यूट 1 इन। अब ब्यूट 1 इन लिखिए, तो ब्यूट 1 को मेंशन कीजिए या ना कीजिए कोई मतलब नहीं है, लेकिन यहां मैं मेंशन कर रही हूं, अगर बिना मेंशन किए भी 1 को रहा जा सकता है, हम उसको कह सकते हैं 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट 1 इन, या फिर 2 एथिल 3 मेथिल ब्यूट इन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, थर्ड। सबसे पहले क्या करना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो हमें एकदम स्ट्रेट चेन दिख रही है, लॉन्गेस्ट है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 कार्बन की, चलिए इसको लॉन्गेस्ट मान लिया। अब नंबरिंग शुरू करते हैं, या तो इधर से करेंगे और या फिर इधर से। चलिए अब देखते हैं कि कौन सी नंबरिंग सही रहेगी इसमें। यहां पर हमें 3 नंबर पे
एथिल ग्रुप है और सिक्स नंबर पे मिथिल ग्रुप है। तो देखिए इधर नीचे वाली से थ्री नंबर पे एक ग्रुप है और सिक्स नंबर पे एक ग्रुप है। अब दोनों ही कंडीशन में थ्री प्लस सिक्स नाइन होता है, तो अब क्या करेंगे? इसके लिए रूल है, इसके लिए रूल है, अगर टू एल्किल ग्रुप्स कम इन द इक्विवेलेंट पोजिशन देन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर विल बी प्रायोरिटाइज। जो भी ग्रुप अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले आ रहा है उस ग्रुप को हम प्रायोरिटी देंगे। अब यहाँ देखिए एथिल ग्रुप आ रहा है पहली वाली नंबरिंग के हिसाब से, एथिल ग्रुप आ रहा है थ्री नंबर पे और मेथिल ग्रुप आ रहा है सिक्स नंबर पे, और दूसरी नंबरिंग के हिसाब से एथिल ग्रुप हमारा आ रहा है सिक्स नंबर पे। इसका मतलब ये वाली नंबरिंग हम फॉलो नहीं करेंगे, हमें एथिल को प्रायोरिटी देनी है। एथिल को प्रायोरिटी कब मिलेगी? जब हम पहली वाली नंबरिंग फॉलो करेंगे और थ्री नंबर पे एथिल को पाएंगे, ठीक है। इसके लिए फॉर्म जो रूल है वो यहाँ मैंने लिख रखा है, इफ टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट फाउंड इन द इक्विवेलेंट पोजीशन द लोअर नंबर इज गिवन टू द वन कमिंग फर्स्ट इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो इस रूल के हिसाब से हमें लोअर नंबर दिया जो कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एथिल पहले आता है ई, इसने हमें एथिल को प्रायोरिटी दी। अब नाम लिखते समय भी एथिल को ही प्रायोरिटी देंगे मेथिल के ऊपर। तो चलिए नाम लिखते हैं, सबसे पहले एथिल को मेंशन करिए, थ्री एथिल, फिर सिक्स मेथिल, फिर पेरेंट चेन है एक कार्बन की विदाउट एनी डबल बॉन्ड, तो सिंपल एन हो गया, ऑक्ट एन। बहुत आसान था। चलिए कुछ और रूल्स समझते हैं, कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। अब यहाँ पर एग्जांपल आ जाते हैं, एग्जांपल नंबर फोर देखिए। चलिए सबसे पहले क्या करना है हमको, लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन देख रही है, सीधी स्ट्रेट चेन है, एक दो तीन चार पांच कार्बन की स्ट्रेट चेन हो गई। नंबरिंग शुरू करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। इस नंबरिंग के हिसाब से हमारा एडिशन रिजल्ट क्या होगा, टू एंड फोर, ठीक है, टू प्लस फोर सिक्स। इस नंबर के हिसाब से देखते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। इस नंबर के हिसाब से अगेन टू प्लस फोर, यहां पर भी वही बात हो रही है सिक्स। तो हम कोई भी नंबरिंग यूज कर सकते हैं, चाहे ऊपर वाली चाहे नीचे वाली, तो हम चलिए ऊपर वाली नंबरिंग यूज करते हैं। इसके हिसाब से हमको मेथिल ग्रुप्स रखने हैं। अब यहाँ पर दो बार मेथिल ग्रुप्स हैं, जब दो बार एक ही ग्रुप आ रहा है दो बार, तो हम क्या यूज करते हैं, प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाई ट्राई एक्सेट्रा। अगर तीन बार आए हैं तो ट्राई यूज करेंगे, दो बार आए तो डाई यूज करेंगे, और ये प्रीफिक्स के फॉर्म में रहेगा। इसके लिए ये रूल है, इफ कंपाउंड हैव मोर देन वन सिमिलर एल्किल ग्रुप सी देन प्रीफिक्स डाई ट्राई एक्सेट्रा इज यूज एंड देयर पोजिशन शुड बी इंडिकेटेड। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, पोजिशन इंडिकेट करेंगे, और यहाँ पर क्योंकि दो मेथिल ग्रुप है इसलिए डाइवर्ड यूज करेंगे, तो पोजिशन हो जाएगी यहाँ पर टू फोर डाई मेथिल। समझ आ रहा है, टू पोजिशन पे फोर पोजिशन पे दो मेथिल ग्रुप है डाई मेथिल। एंड देन अब हम लिखेंगे पेरेंट चेन जो कि पांच कार्बन की है, तो ये हो गई पेंटेन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर फाइव। यहाँ पर पेरेंट चेन कैसी है, वन टू थ्री फोर फाइव कार्बन की लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन बनी है। चाहे हम लॉन्गेस्ट चेन फाइव कार्बन कैसे भी बना सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन फाइव कार्बन के ऐसे भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं, ये सारी की सारी स्ट्रेट चेन ही मानी जाएगी। तो हम क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड है, सीधा ही चलते हैं, फाइव कार्बन की चेन ही है हमारे पास। चलिए तो नंबरिंग करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव। दूसरी नंबरिंग क्या हो सकती है, वन टू थ्री फोर फाइव। देखते हैं किस नंबर को यूज करना है। अब देखिए यहाँ टू नंबर पे दो ग्रुप लगे हुए हैं, तो हम इसको ऐड करते समय किस तरह से ऐड करेंगे, टू प्लस टू और एक फोर नंबर कार्बन पे। चलिए बताइए एडिशन क्या हो गया,
एट। दूसरी वाली नंबरिंग हिसाब से हमने टू नंबर पे एक ग्रुप है और फोर नंबर पे दो है, तो फोर प्लस फोर करेंगे ये हो गया टेन। इसका मतलब दिस वन इज रॉन्ग एंड दिस वन इज रॉन्ग, इसको छोड़ देंगे और ये वाली काउंटिंग फॉलो करेंगे क्योंकि इसका एडिशन रिजल्ट कम आया है। चलिए इसका नाम लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर मेथड ग्रुप तीन का आया है, तो यहाँ पर क्या वर्ड यूज करेंगे, प्रीफिक्स ट्राई और पोजिशन को भी मैंशन करना है, तो पोजिशन मैंशन करेंगे टू देन टू, फिर से टू कार्बन पे दो मेथिल ग्रुप है तो टू टू अगेन दो बार करेंगे देन फोर टू टू फोर, यहाँ पर ट्राई फिर मेथिल क्योंकि मेथिल ग्रुप तीन बार आया है। अब उसके बाद पेरेंट चेन कितनी है, पांच कार्बन की पेंटेन, इजी है ना। चलिए नेक्स्ट पे हैं एग्जाम्पल नंबर सिक्स। फिर से नंबर सबसे पहले क्या करना है, नंबरिंग करनी है, लॉन्गेस्ट चेन खोजनी है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, यहाँ सेवन कार्बन की हमारी लॉन्गेस्ट चेन हो रही है। अब यहाँ से देखें तो टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये भी लॉन्गेस्ट चेन हो सकती है। देखिए हम ऐसे भी आ सकते हैं, हम ऐसे भी आ सकते हैं, दोनों ही लॉन्गेस्ट चेन है। अगर हम इस वाले तरीके से आएंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा एथिल ग्रुप सेकेंड या थर्ड कार्बन पे, और अगर हम स्ट्रेट चेन चल जाएंगे तब भी वन टू थ्री कार्बन को एथिल ग्रुप मिलेगा, तो दोनों ही सेम है। मैं आपको बस एक बता रही थी, दोनों ही तरीका सेम है। तो हम अपनी स्ट्रेट चेन लेते हैं, चलिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन कार्बन की स्ट्रेट चेन, ये नंबरिंग हो सकती है। चलिए ऐड करके देखते हैं, थ्री प्लस फोर प्लस फोर कितना हो जाएगा, इलेवन। दूसरी नंबरिंग के हिसाब से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, अब दूसरी नंबरिंग के हिसाब से फोर प्लस फोर प्लस फाइव थर्टीन, ऑब्वियस बात है ये वाली रॉन्ग हो जाएगी, ये वाली करेक्ट है, तो ये वाली नंबरिंग रॉन्ग, ये नंबरिंग सही, इसको कैंसिल कर दें। ऊपर वाली नंबरिंग के हिसाब से चलिए नाम लिखते हैं। सबसे पहले हम मेंशन करेंगे, अब देखिए हमारे पास एथिल और मेथिल दोनों ही ग्रुप प्रेजेंट है, सबसे पहले एथिल को मेंशन करेंगे, एथिल की पोजीशन हमें मिल गई नंबरिंग के हिसाब से थ्री, तो हम लिखेंगे थ्री एथिल। एथिल क्यों लिखा है, मैंने पहले बता दिया दो कार्बन की चेन है और ये साइड चेन है इसलिए एल लगा रहे हैं, एथ प्लस एल। अब उसके बाद हम मेथिल को करेंगे, मेथिल यहाँ पर कार्बन नंबर फोर पर है और दो है, तो हम मेंशन करेंगे फोर फोर डाई मेथिल, फिर इसके बाद सेवन कार्बन की पेरेंट चेन नाम लिखेंगे, सेवन कार्बन की पेरेंट चेन होती है हेप्टेन, करेक्ट, इजी है। तो हमेशा इसके लिए रूल है, इफ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्किल ग्रुप्स देयर नेम्स आर रिटन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ये हम पहले से भी करते आ रहे हैं, अगर अल्फाबेटिकल और कई सारे ग्रुप्स हैं तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करना है, तो हम हमेशा ई को प्रायोरिटी देंगे एम पर, या फिर अगर चार कार्बन की चेन होती ब्यूटिल वाली तो हम क्या करते बी को प्रायोरिटी देते, पहले ब्यूटिल को लिखते फिर एथिल को लिखते और फिर मेथिल को लिखते, ठीक है, इस तरीके से अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से हम प्रायोरिटी देते हैं। चलिए एक और एग्जांपल करते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको जाना जरूरी है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना है, इसमें पेरेंट चेन खोजनी है जो कि लॉन्गेस्ट चेन होनी चाहिए, तो हम क्या कर सकते हैं, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस, ये हमारी स्ट्रेट चेन हो गई दस कार्बन की पेरेंट चेन। अब क्या करते हैं इसमें नंबरिंग कर ले हम, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन एंड टेन, नंबरिंग कर ली टेन हो गई, टेन नंबरिंग के हिसाब से अब हमें क्या करना है, कौन सी वाली को प्रायोरिटी देंगे आप, यहाँ से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन,
चलिए नंबरिंग को ऐड करके देखते हैं। पहली वाली नंबरिंग के हिसाब से पहला ग्रुप आ रहा है फोर नंबर के कार्बन पे, और दूसरा दूसरा ग्रुप आ रहा है हमारा फाइव नंबर के कार्बन पे। देखिए फोर नंबर का कार्बन और फाइव नंबर का कार्बन, फोर फाइव हो जाता है नाइन। दूसरे वाली नंबरिंग के हिसाब से पहला ग्रुप आ रहा है सिक्स नंबर पे और दूसरा ग्रुप आ रहा है सेवन नंबर पे, तो सिक्स प्लस सेवन हो जाता है थर्टीन। तो ये वाली हम नहीं लेंगे और ये वाली लेंगे, इसका मतलब ये वाली हम कैंसिल कर देंगे। ठीक है, अब हमें नंबर मिल गई। लेकिन अब यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है, यहाँ पर जो साइड चेन्स है वो बहुत ही बड़ी है, इसमें तीन कार्बन लगे हुए हैं, और जब तीन कार्बन की या तीन से ज्यादा कार्बन की बात आती है तो वहां पर कई अलग अलग पॉसिबिलिटी हो सकती है। वो कैसे, चलिए देखते हैं। इधर साइड में अगर तीन कार्बन है, एक तो है कि सिंपली तीन कार्बन आर हमारा पेरेंट चेन है, इस तरीके से लगे हो, और यहाँ पर क्या कंडीशन है, तीन कार्बन है लेकिन पेरेंट चेन से दूसरा कार्बन लगा हुआ। तो देखिए स्ट्रक्चर अलग है, स्ट्रक्चर अलग है तो नाम भी अलग हुआ, इसको हम कहेंगे एन प्रोपिल, नॉर्मल प्रोपिल, और इसे हम कहेंगे आइसो। तो इसका नाम अलग है तो हम इस वाले ग्रुप को कह सकते हैं आइसो प्रोपिल ग्रुप। उसी तरीके से नीचे वाला देखिए, चार कार्बन की जो चेन है फाइव नंबर के कार्बन पे, चार कार्बन की चेन में चार कार्बन है तो हो गया ये ब्यूटिल ग्रुप, लेकिन ब्यूटिल ग्रुप में भी चार कंडीशंस हैं, तो चार कंडीशंस अलग अलग हैं तो चार अलग अलग नाम है। अब हमें देखना है कि यहाँ पर कौन सा नाम लगेगा, ये जो नाम होते हैं ये कॉमन नेम्स होते हैं। तो चलिए ब्यूटिल का देख लेते हैं, या तो स्ट्रेट होगा पेरेंट ग्रुप से, या तो स्ट्रेट चेन होगा, या फिर कुछ ऐसा हो सकता है। तो अगर ये स्ट्रेट चेन है तो इसको हम कहेंगे एम ब्यूटिल। ठीक है, अगर ये इस तरह का स्ट्रक्चर है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल। ठीक है, क्योंकि यहां पर जो कार्बन है वो सेकेंडरी कार्बन है जिससे कि हमारा पेरेंट चेन लगा हुआ है। एक और स्ट्रक्चर हो सकता है यहाँ पर, वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, अगर इस तरीके का अरेंजमेंट है कार्बन्स का, चार कार्बन्स की चेन में, तो इसे हम बोलेंगे आइसो ब्यूटिल। और एक और कंडीशन हो सकती है यहाँ पर, और यहाँ पेरेंट ग्रुप लगा, ये वाला जो है ये कार्बन हमारा कहलाएगा ये वाला ब्यूटिल ग्रुप, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट चेन है जिस कार्बन से पेरेंट, वो हमारा टर्शियरी कार्बन है, जिसको हम लिखेंगे शॉर्ट में टर्शियरी ब्यूटिल। तो देखिए हमारे पास तीन कार्बन की चेन में दो कंडीशन होती है, चार कार्बन की चेन में हमारे पास चार कंडीशन होती है। तो यहाँ पर हमारा इस वाले एग्जाम्पल के लिए हमको ये वाला प्रोपिल ग्रुप चाहिए आइसोप्रोपिल, और ब्यूटिल ग्रुप कौन सा है मैच कराइए, तो हमारा ब्यूटिल ग्रुप ये वाला लग रहा है सेकेंडरी ब्यूटिल ग्रुप। तो इसका हम नाम लिख सकते हैं आइसोप्रोपिल, और इसका नाम हो सकता है, होने की सकता है सेकेंडरी। ये तो एक तरीका हुआ नाम लिखने का जो कि इसका कॉमन नेम है। अब एक दूसरा तरीका जो कि हम लोग आईयूपीएसी नॉमन क्लेचर में फॉलो कर रहे हैं, उस तरीके से भी इसका नाम रखा जा सकता है। तो उस तरीके से कैसे नाम रखेंगे, अब देखिए अब हम केवल इस चेन की बात करेंगे, ये एक छोटी सी तीन कार्बन की चेन है, तो हम कह सकते हैं कि ये दो कार्बन की पेरेंट चेन है और एक मेथिल ग्रुप इससे लगा हुआ है, तो दो कार्बन की पेरेंट चेन को क्या कहेंगे, एथ। ठीक है,
एथेन कहते हैं एक्चुअली में, दो कार्बन की पेरेंट चेन है, कोई डबल बॉन्ड नहीं, एथेन। अब एथेन के पहले कार्बन में हम कहेंगे मेथिल ग्रुप लगा है, तो हम लिख सकते हैं इसको वन मेथिल हम इसको क्या लिखेंगे वन मेथिल और क्योंकि ये इथेन है लेकिन ये ओवरऑल में एक साइड चेन है, एक ब्रांच है, एक एल्किल ग्रुप बना रहा है, तो इथेन का एथिल हो जाएगा। ठीक है, ये नाम हो सकता है आइसोप्रोपिल या वन मेथिल एथिल। उसी तरह सेकेंडरी ब्यूटिल का क्या नाम ले सकते हैं हम, अब देखिए यहाँ पर हमारी चार कार्बन की साइड चेन है जिसमें कि हम कह सकते हैं ये तीन कार्बन की पेरेंट चेन हो गई और इसमें वन नंबर पे एक मेथिल ग्रुप है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे वन मेथिल और फिर तीन कार्बन की एक स्ट्रेट चेन प्रोपेन होती है और क्योंकि ये साइड चेन है एल्किल ग्रुप है इसलिए प्रोपिल कर देंगे। ये तो या तो हम कॉमन नेम के हिसाब से इस आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं या फिर आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से भी इसका नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इस वाई कंपाउंड का हमें दो तरह का नाम मिलेगा, तो पहले हम कॉमन नेम के हिसाब से करेंगे। फर्स्ट नेम जो हमारा होगा तो इसमें क्या करना है आइसोप्रोपिल और सेकेंडरी ब्यूटिल इन दोनों को मेंशन करेंगे इनकी पोजीशन के हिसाब से। अब यहाँ पर देखिए आइसो और सेकेंडरी इस वर्ड में हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं खोजते, हम प्रोपिल और ब्यूटिल वर्ड में अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे और उस हिसाब से हम उनको लिखेंगे। तो पहले कौन सा आएगा, पहले आएगा ब्यूटिल ग्रुप, तो पहले हम अपने ब्यूटिल ग्रुप को मेंशन करेंगे। ब्यूटिल ग्रुप मेंशन करने के लिए कौन से नंबर पे आ रहा है ब्यूटिल ग्रुप, फाइव नंबर पे, तो हम लिखेंगे फाइव सेकेंडरी ब्यूटिल, फिर उसके बाद हम फोर नंबर पे क्या लिखेंगे आइसोप्रोपिल, क्योंकि हम सेकेंडरी और आइसो को प्रायोरिटी नहीं देंगे, हम ब्यूटिल को प्रायोरिटी देंगे ओवर द प्रोपिल, बी इज प्रायोरिटाइज ओवर द पी। फिर ये तो हो गई हमारी साइड चेन्स, अब इनकी पोजीशन हो गई, अब पेरेंट चेन का नाम लिखिए टेन कार्बन की डेकेन। तो ये हो गया इनका आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर इनके साइड चेन के कॉमन नेम के हिसाब से। ठीक है, एक तो ये हो गया ए, अब दूसरा नाम हम बी लिखेंगे, क्योंकि आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर के हिसाब से हम ये वाली नॉमेनक्लेचर यूज करेंगे। तो इसमें मेथिल वन मेथिल एथिल प्रायोरिटी किसे देनी है, एथिल को देनी है या फिर प्रोपिल को, यहां पर हम प्रायोरिटी देंगे एथिल को। तो सबसे पहले एथिल को मेंशन करेंगे, एथिल वन मेथिल एथिल ये वाला ग्रुप किस नंबर पे आ रहा है हमारा, फोर नंबर पे, तो हम लिखेंगे फोर वन, ये नाम थोड़ा बड़ा हो जाएगा, वन मेथिल एथिल, फिर कमा लगाएंगे, फिर अब हम वन मेथिल प्रोपिल को देंगे, वन मेथिल प्रोपिल कौन से नंबर पे हमारा, फाइव नंबर के कार्बन पे, फाइव वन मेथिल प्रोपिल और फिर पेरेंट चेन है हमारी डेकेन जो कि टेन कार्बन की, तो ये हमारा हो गया नाम। तो इस तरीके से हम या तो कॉमन नेम यूज करके नॉमेनक्लेचर लिख सकते हैं, एल्किल ग्रुप से कॉमन नेम्स लिख के भी, और एल्किल ग्रुप के इटसेल्फ में हम स्मॉल चेन्स को भी आईपीसी नेम में कन्वर्ट करके फिर पूरे के पूरे चेन को हम आईपीसी नेम लिख सकते हैं, दोनों एक तरीका सही है। तो इसमें कंफ्यूजन की कोई बात नहीं है, ये खाली आपको प्रैक्टिस से आएगा। सो ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल कीजिए, जो नहीं आ रहा है मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के भेजिए, मैं सॉल्व करूंगी आपके लिए। टिल देन हैप्पी रीडिंग, बाय।